नमस्कार, मैं अपर्णा स्वागत करती हूँ आपका बोलेज किचन में। आज हम बहुत ही आसान तरीके से और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ एक ही नोज़ल यूज़ करके 1 kg का यानी कि 1 किलो का टू टीयर चॉकलेट केक बनाने वाले हैं। वैसे तो हम आधा किलो का या फिर 1 किलो का सिंगल केक गनाश डालने के लिए आसानी से केक बोर्ड पे से उठा लेते हैं, लेकिन ये टू टीयर केक उठाने में हमें थोड़ा सा डर लगता है, कहीं हमारा केक टूट ना जाए या फिर गिर ना जाए। तो इसलिए आज हम केक को उठाए बिना ही टू टीयर केक पे गनाश कैसे डालें वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1 kg का टू टीयर केक बनाने के लिए हमें चाहिए 2.5 कप चॉकलेट प्रीमिक्स। ये 200 ml का कप है, तो इस कप से हमें 2.5 कप प्रीमिक्स लेना है यानी कि 2.5 कप, और हम इसे ग्राम में नापेंगे तो ये 350 ग्राम प्रीमिक्स है। तो इसके बाद हमें इसमें डालना है 3 टेबल स्पून तेल, और तेल डालने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक स्मूथ बैटर बनाएंगे। और वैसे तो पानी का कोई मेजरमेंट नहीं होता, पानी हमें कम ज़्यादा लग सकता है, फिर भी मैंने यहाँ पे पहले 1 कप पानी लिया है, और इसमें से हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका बैटर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 कप पानी डाला है, फिर भी ये बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से 1 कप पानी लिया है और इसमें से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और स्मूथ कंसिस्टेंसी का बैटर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने टोटल 1.5 कप पानी डाला है और इस तरह का स्मूथ बैटर बना लिया है। तो अब हम ये बैटर टिन में डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने टू टीयर केक बनाने के लिए ये बड़ा वाला टिन 7 इंच का लिया है और ये छोटा वाला टिन 5 इंच का लिया है, और टिन को मैंने पहले ही तेल और बटर पेपर लगा लिया है। आप चाहे तो तेल और मैदा भी लगा सकते हो। तो देखिए इस तरह से हम थोड़ा सा बैटर छोटे वाले टिन में डालेंगे और बाकी का सारा बैटर बड़े वाले टिन में डालेंगे। और बैटर टिन में डालने के बाद हम दोनों टिन को इस तरह से थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा के एयर बबल्स रह गए होंगे वो निकल जाएंगे और हमारे केक अच्छे से फूलेंगे। तो इसके बाद हमें केक को बेक करना है। तो मैंने यहाँ पे बड़ा वाला केक बेक करने के लिए ये पतीला 10 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे प्रीहीट कर लिया है, और इसमें मैंने एक स्टैंड रख दिया है। तो इस पे हम ये टिन रख देंगे और इस पे ढक के लो टू मीडियम फ्लेम पे 30 से 35 मिनट होने तक हम ये केक बेक करेंगे। और उसी के साथ दूसरे गैस पे मैंने यहाँ पे एक छोटा वाला पतीला 10 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे प्रीहीट कर लिया है। तो अब हम इसमें ये छोटा वाला टिन रख देंगे और इस पे ढक के लो टू मीडियम फ्लेम पे 25 से 30 मिनट होने तक हम इस केक को बेक करेंगे, क्योंकि ये छोटा है तो जल्दी बेक हो जाएगा। तो 25 मिनट के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा केक बहुत ही अच्छे से फूला है और बहुत ही सॉफ्ट है। तो अब हम इसमें एक टूथपिक डाल के देखेंगे, और टूथपिक क्लीन आई है, इसका मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हुआ है। और 35 मिनट के बाद यहाँ पे हमारा बड़ा वाला केक भी अच्छे से बेक हुआ है, बहुत ही अच्छे से फूला है। तो अब हम इसमें भी एक टूथपिक डाल के देखेंगे, और टूथपिक क्लीन आई है, इसका मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हुआ है। तो अब हम दोनों केक को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, और तब तक हम शुगर सिरप बनाएंगे। तो शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी से थोड़ा सा कम पानी लिया है, और उसमें हम 3 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी डालेंगे और 1/4 चम्मच चॉकलेट एसेंस डालकर हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमारा शुगर सिरप तैयार हो गया है, और इधर हमारे केक भी पूरी तरह से ठंडे हो गए थे, तो मैंने इसलिए दोनों केक को इस तरह से केक टिन में से बाहर निकाल कर रखा है। अगर हमने केक को ठंडा होने के बाद भी केक टिन में ही रखा तो केक के साइड्स थोड़े से चिपचिपे हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे केक को टिन में से बाहर निकाल कर रखा है। तो अब हम केक की लेयर्स कट करेंगे। तो सबसे पहले हम केक पे से बटर पेपर निकालेंगे, और आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी ये केक बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसे एक केक बोर्ड पे रखेंगे और इसे जो थोड़ा सा डोम शेप आया है उसे निकालेंगे, और डोम शेप निकालने के बाद हम इसकी लेयर्स कट करेंगे। तो हम केक की 3 लेयर्स कट करेंगे, तो इसके लिए हमें केक को 2 कट लगाने हैं, और कट लगाने के बाद हमने जहाँ पे कट लगाया है उसमें एक धागा डालेंगे, और ये धागा हमें इस तरह से अपोजिट साइड में खींचना है। इससे हमारे केक की लेयर एकदम एक जैसी आती है, और आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे केक की पहली लेयर तैयार हो गई है। और इसी तरह से हम केक की दूसरी
और तीसरी लेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे केक की 3 लेयर्स तैयार हो गई है। तो अब हम इसी तरह से छोटे वाले केक के भी 3 लेयर्स कट करेंगे। सबसे पहले हम इसका डोम शेप निकालेंगे और इसके बाद इसकी 3 लेयर्स कट करेंगे। तो लीजिए, यहाँ पे हमारे केक की पहली लेयर तैयार हो गई है। तो अब हम इसी तरह से केक की दूसरी और तीसरी लेयर बनाएंगे और इसे साइड में रखेंगे। और इसके बाद हमारा केक आइसिंग करते वक्त जगह से ना हिले, इसलिए हम केक बोर्ड पे थोड़ी सी क्रीम लगाकर इसे थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे। और इसके बाद हम इस पे बड़े वाले केक की पहली लेयर रख देंगे और इसे अच्छे से शुगर सिरप लगाएंगे। शुगर सिरप लगाने से हमारा केक बहुत देर तक मॉइस्ट रहता है। और शुगर सिरप लगाने के बाद हमें इस पे इस तरह से क्रीम लगानी है। और क्रीम लगाने के बाद हम इसे स्पैचुला से थोड़ा सा प्लेन करेंगे और इसके बाद हम इस पे केक की दूसरी लेयर रखेंगे और इसे भी अच्छे से शुगर सिरप लगाएंगे। तो 3 लेयर होने तक हमें यही प्रोसेस फॉलो करनी है। और आप चाहे तो 2 लेयर के बीच में क्रीम लगाने के बाद क्रीम के ऊपर चॉको चिप्स डाल सकते हो या फिर चॉकलेट को ग्रेट करके भी डाल सकते हो। तो अब हम यहाँ पे केक की तीसरी यानी कि आखिरी लेयर रखेंगे और इसे भी अच्छे से शुगर सिरप और क्रीम लगाएंगे। और क्रीम लगाने के बाद हम इसे इस तरह से थोड़ा सा प्लेन करेंगे। बाद में हमें केक की फिनिशिंग करनी है। और इसके बाद हमारे केक को जो थोड़ा सा डोम शेप आया था उस वजह से पहली और दूसरी लेयर में थोड़ा सा गैप तैयार हो गया है, तो उसमें हम इस तरह से थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे। और इसके बाद केक के साइड में इस तरह से थोड़ी थोड़ी क्रीम लगाकर हम केक की क्रम्स कोटिंग करेंगे। क्रम्स कोटिंग करने से हमारे केक के क्रम्स फाइनल फिनिशिंग में नहीं आते और हमारे केक की फाइनल फिनिशिंग बहुत ही अच्छी दिखती है। तो इसके बाद हमें केक पे क्रीम लगानी है और केक की फिनिशिंग करनी है। तो केक के साइड की फिनिशिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे प्लेन वाला स्क्रैपर लिया है। आप चाहे तो स्पैचुला से भी केक की फिनिशिंग कर सकते हो या फिर प्ले कार्ड भी ले सकते हो। और केक के ऊपर की फिनिशिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे पैलेट नाइफ़ लिया है। पैलेट नाइफ़ को हमें बीच बीच में कपड़े से साफ़ करना है, पोंछ लेना है, तभी हमारे केक की फिनिशिंग अच्छी और शार्प होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे केक की फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया हो गई है। तो छोटे वाले केक की आइसिंग होने तक हम इसे फ्रिज में रखेंगे। तो अब हम इसी तरह से छोटे वाले केक को भी रेडी करेंगे। और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा शॉर्ट में दिखाया है। तो यहाँ पे हमारा छोटा वाला केक भी रेडी हो गया है। तो अब हम ये केक बड़े वाले केक पे रखेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें स्पैचुला से केक को उठाना है और केक के बीच में हम इस तरह से एक टूथपिक इंसर्ट करेंगे जिससे हमें केक उठाने में आसानी होगी और केक गिरने का डर भी नहीं रहेगा। तो देखिए, इस तरह से हमें धीरे से बड़े वाले केक के सेंटर में ये केक रखना है और धीरे से स्पैचुला निकालना है। और इसके बाद हम टूथपिक को निकालकर दोनों केक के हाइट जितना कट करके केक के सेंटर में टूथपिक को इंसर्ट करेंगे ताकि हमारा केक एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर भी गिरेगा नहीं। तो अब हमें चॉकलेट गनाश बनाना है, तो तब तक हम केक को फ्रिज में रखेंगे। और चॉकलेट गनाश बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटे से पतीले में थोड़ा सा पानी रखा है गर्म होने के लिए और उस पर एक बाउल रखेंगे। आप चाहे तो स्टील का बाउल भी ले सकते हो। और बाउल में हम 1 कप ग्रेट किया हुआ डार्क कंपाउंड चॉकलेट डालेंगे और इसे ग्राम में नापेंगे तो ये 150 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट है। तो देखिए, इस तरह से हमें चॉकलेट आधा मेल्ट होने के बाद इसमें 1/2 कप मेल्टेड व्हिपिंग क्रीम डालनी है। अगर आपको गनाश बनाने के लिए व्हिपिंग क्रीम लेनी है तो क्रीम को इस तरह से मेल्ट होने के बाद ही यूज़ करें, नहीं तो व्हिपिंग क्रीम फट जाती है और हमारा गनाश खराब हो जाता है। तो देखिए, व्हिपिंग क्रीम डालने के बाद हम इसे चॉकलेट के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। और हाँ, आप व्हिपिंग क्रीम की जगह दूध भी डाल सकते हो या फिर अमूल की फ्रेश क्रीम भी ले सकते हो। तो देखिए, 3 से 4 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे लो फ्लेम पे चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर लिया है और आप यहाँ पे देख सकते हो चॉकलेट में कोई भी लम्स नहीं है। क्रीम भी चॉकलेट के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे। अगर बटर नहीं है तो आप इसमें घर का देसी घी भी डाल सकते हो। बटर या घी डालने से हमारा गनाश टेस्टी होता है और इसमें बहुत ही बढ़िया सी शाइन भी आती है। तो देखिए, गनाश गर्म है तो इसलिए बटर आसानी से इसमें मिक्स हो जाता है।
तो 1 से 2 मिनट के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो बटर गनाश में अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब हम ये गनाश छान लेंगे, अगर इसमें कोई लम्स रह गए होंगे तो वो भी निकल जाएंगे और हमें स्मूथ गनाश मिल जाएगा। तो छानने के बाद यहाँ पे हमारा बहुत ही स्मूथ और टेस्टी चॉकलेट गनाश तैयार है। तो अब हमें इसे केक पे डालना है। तो केक पे गनाश डालने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी थाली ली है और उसमें एक स्टैंड रखा है, और स्टैंड पे हम केक बोर्ड के साथ ही ये 2 टीयर केक रखेंगे और इस पे ये गनाश डालेंगे। इस तरह से गनाश डालने के 3 फायदे हैं। पहला, हमें केक को उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने केक को नहीं उठाया तो हमारा केक गिरने का या फिर टूटने का हमें डर नहीं रहेगा। और दूसरा, हमारा टेबल ख़राब नहीं होगा। और तीसरा, जो हमारा गनाश नीचे गिरेगा वो इस थाली में गिरेगा, उसे हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। और केक बोर्ड पे जो गनाश गिरा है उसे हम इस तरह से स्क्रैपर या चाकू से निकाल सकते हैं, और इसके बाद हम इसे टिश्यू पेपर से अच्छे से पोंछ लेंगे, साफ़ कर लेंगे। और इसके बाद गनाश केक पे अच्छे से सेट हो जाए इसलिए केक को हम 10-15 मिनट तक फ्रिज में रखेंगे। तो अब हमें केक सजाने के लिए 2 बॉल्स बनाने हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे हमारे केक का जो डोम शेप निकला था उसे साइड में रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने वो डोम शेप इस तरह से चूर के लिया है, उसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया है। अगर ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है तो आप इसमें 1-2 चम्मच दूध ऐड कर सकते हो। तो देखिए, इस तरह से हम इसका एक बॉल बनाएंगे और इसे चॉकलेट में डुबाएंगे। जो चॉकलेट थाली में गिरा था उसे मैंने एक बाउल में निकाला है। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पे हमारा चॉकलेट बॉल तैयार हो गया है। तो अब हम इसी तरह से और एक बॉल बनाएंगे और केक का बाकी का डेकोरेशन होने तक हम इसे साइड में रखेंगे। आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हो। और 10 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे केक फ्रिज में से बाहर निकाला है और आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही बढ़िया सेट हो गया है। तो अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे N1 स्टार नोज़ल लिया है और पाइपिंग बैग में मैंने यहाँ पे डच क्रीम भर ली है। जो हमारा चॉकलेट बच गया था उसे मैंने क्रीम में मिक्स करके पाइपिंग बैग में भर लिया है। तो अब हम इस नोज़ल से इस तरह से 3 फ्लावर्स बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं ये फ्लावर्स और इसे बनाना भी बहुत आसान है। और आप चाहे तो ज़्यादा फ्लावर्स बना सकते हो, या फिर आपको जैसा डेकोरेशन पसंद है उस हिसाब से आप केक डेकोरेट कर सकते हो। तो अब हमें इसी नोज़ल से आउटलाइन बनानी है और आप यहाँ पे देख सकते हो ये आउटलाइन बनाना भी बहुत आसान है। सिर्फ हमें पाइपिंग बैग को इस तरह से थोड़ा सा उठाकर खींचना है और बहुत ही खूबसूरत सी ये डिज़ाइन तैयार हो जाती है। हमने यहाँ पे एक ही नोज़ल से केक पे फ्लावर्स और केक को आउटलाइन बनाई है और आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन तैयार हो गई है। और इसके बाद हमने जो चॉकलेट के बॉल्स बनाए थे उसे हम इस तरह से फ्लावर्स के आगे रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा केक कितना खूबसूरत लग रहा है। डच क्रीम और चॉकलेट का कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लग रहा है और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस लगता है। तो इसके बाद हमने जो फ्लावर्स बनाए हैं उसमें एक एक बड़े वाले शुगर बॉल्स रख देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और खूबसूरत 2 टीयर चॉकलेट केक तैयार हो गया है। तो आपको ये केक कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आपको ये केक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं आपकी पसंद की रेसिपी के साथ। तब तक मस्त खाइए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।